ये एक बेडरॉक वॉल विच इज सेपरेटिंग टू टीम्स, ब्लू टीम एंड द रेड टीम। एंड आज से 7 दिन बाद यहाँ पे होने वाली है एक बहुत तगड़ी वॉर, एंड सिर्फ वॉर जीतने से तुम ये पूरा इवेंट नहीं जीत पाओगे, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ओपी बिल्ड्स भी बनाने होंगे। तो या ओके, सो लेट मी गिव यू सम मोर कॉन्टेक्स्ट। देयर इज एन इवेंट इन गोल्डन लाइट्रा सर्वर जहाँ पे हमें 7 डेज मिलेंगे एंड हमें अपनी एक पूरी सिविलाइजेशन बनानी है। एंड एट द एंड ऑफ 7th डे हम करने वाले एक वॉर, लाइक एक ब्लू टीम एंड रेड टीम के बीच में होने वाली है बहुत बड़ी वॉर। सो लुक, अगर तो हम वॉर जीते हैं तो हमें मिलेंगे 8 पॉइंट, बट अगर हम रेड टीम से ज्यादा अच्छे बिल्ड्स बनाते हैं तो हमें मिलेंगे 10 पॉइंट। सो हियर इज द गेम प्लान। सो द फर्स्ट थिंग इज मेरे को स्टैक अप होना है, एंड सेकेंडली मेरे को बनाने 2 सुंदर बिल्ड इस सर्वर में। तो गाइस अभी सीन क्या है कि है ना, मैंने इनसे बात करी है तो मेरे को ऐसे पता चला कि जो वॉर के एंड बिल्ड पॉइंट्स है वो अलग अलग है, तो मैं एक बिल्ड बनाना रहा हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे एक विलेज भी मिल गया मेरे को स्पॉन होते ही, एंड वहाँ पे एक सिप्रेक था तो मैं वहाँ से डायमंड एंड एमरल्ड्स ले आया। वेल, इफ यू आर कंफ्यूज टू सी DR2X विद मी, यस वो रेड टीम में था एंड मैं था ब्लू टीम में। वेल, मेरे क्रेजी के और DR2X के प्लान स्टार्टिंग से ही डिफरेंट थे, क्योंकि हमने DR2X को दूसरी टीम में भेज दिया था एंड मैं और क्रेजी ब्लू टीम में थे ना। हमने DR2X को दूसरी टीम में इसलिए भेजा था ताकि हमें रेड टीम के ऊपर पूरी इन्फो मिल सके एंड वॉर डे पे हम उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सके। वेल, इसके बाद मैं और DR2X क्रेजी से सामान मांगते हैं एंड वो हमें दे भी देते हैं, एंड उससे मैं अपना एक पूरा डायमंड का आर्मर तो बना ही लेता हूँ। वेल, इसके बाद मैं वॉप्स में जाता हूँ जहाँ पे मेरी पूरी टीम थी एंड जहाँ पे हम हमारे बिल्ड्स बनाने वाले थे। मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ, अब क्या करा जाए। वेल गाइस, मेरे को यहाँ पे मेरी जॉब मिली हुई है तो मेरे को बिल्ड करना है। गाइस चल कर देख रहे हैं मेरे को, ऐसा नहीं है कि मैं इनको चुराने वाला हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। ना 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 गाइस, मेरे पे टोटम कम दिख रहे हैं मेरे को, मैं 10-20 और ले लेता हूँ आर्मर। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को ओनर ने पूरा छल कर भर के कुछ चीजें दे दी है। वेल, इसके बाद मैं नेदर में चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को अपने लिए गोल्ड कलेक्ट करना था, मेरा पूरा नेदराइट आर्मर कंप्लीट करने के लिए। और एक बैशन मिल गई, लॉल। वो क्रेजी बलावा में गिर गया, शिट। कोई नहीं गाइस, देखो ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। मैं फिर गिर गया, नेवर माइंड गाइस। देखो ये प्रिसाइज गेम प्ले की पहचान है। अरे गोल्ड का ब्लॉक मिल गया, लेट्स गो। अरे एंशिएंट डेब्री भी मिल गया, लेट्स गो। ओके, तो गाइस मेरी डे 2 की सारी रिकॉर्डिंग उड़ चुकी है, जिसके अंदर मैंने पूरा अपना नेदरराइट का आर्मर एंशिएंट करा था क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी। वेल, मैं अब एक फॉक्स का ऐसे एक बिल्ड बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं मटेरियल्स कलेक्ट करने आया था, तो मेरे को बहुत सारी ग्रेवल चाहिए थी, यू नो, कॉन्क्रीट बनाने के लिए। ओके, तो सैंड मेरे पास डे 2 की माइन करी हुई पहले की रखी है, तो मैं डायरेक्ट ऑरेंज कॉन्क्रीट्स बनाने वाला हूँ। मैं पहले भाई एक साइन बोर्ड लगा देता हूँ, वरना पता चले मेरे मटेरियल स्टोरी हो गए भाई। भाई एक तो पता नहीं इस बंदे KBPOs के क्या जो चुल मची हुई है भाई, मेरे को मारने लग रहा है, हद हो गई है, ऐसे जीतेंगे हम वॉर। वेल गाइस, मैंने सारे मटेरियल कलेक्ट कर लिया हमारी फॉक्स को बनाने के लिए, तो अब जल्दी से यू नो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस मैं अभी ये सारा मैंने बना लिया यहाँ पे, मैंने बहुत सुंदर बिल्ड बनाया, देख रहे हो भाई तुम, ये फॉक्स की अच्छी फॉक्स है, एंड मैं इसके सामने ये पूल भी बना रहा था, पता नहीं यहाँ किसने आग दिया ये। वेल, इसके बाद मैं शॉप से 3 हर्ट बाय करता हूँ, लेट्स गो, 3 हर्ट इजी। वेल, इसके बाद मैं और क्रेजी एंड डायमेंशन के लिए निकल जाते हैं ताकि हमें इलाइट्रा मिल सके, एंड जहाँ पे मैं एक बारी मर भी गया था भाई, तो मैं फाइनली मर चुका हूँ, वॉइड में मर गया भाई मैं। इवन तो मैं मर गया था, लेकिन मैंने समाओ क्रेजी से पैसे लेके अपना सामान रिकवर कर लिया था। वेल गाइस, मुझे ये बंदा मिला एंड ये मेरी काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है कि वो ढूंढने में एंशिएंट डेब्रिस, एंड आई होप मैं इसके साथ तो ढूंढ ही लूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग माय फुल नेदरराइट आर्मर, मैं अपने नेक्स्ट बिल्ड के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करता हूं, एंड मेरे पास मोस्टली मटेरियल्स आ भी जाते हैं। वेल, एट दिस पॉइंट मेरे को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम कोरस फ्रूट खा के रेड टीम के बेस को विजिट करें। ओ मैं आ गया रेड की टीम में, आ गया मैं, लेट्स गो रेड के बेस में आ गया, लेट्स गो भाई, लेट्स गो रेड की बेस में आ गया मैं, बेस की ओ आ गया क्रेजी, आ गया क्रेजी को टीपी कर दिया, लेट्स गो भाई। वेल, हम वहाँ कुछ तोड़ नहीं सकते, तो हमने थोड़ा नॉर्मल ग्राइंड करा एंड एक बंदे को अपने पास टीपी करके उसको मार भी दिया, जिससे हमें एक हर्ट भी मिल गया। क्या कॉम्बैट में मर गया, एंड बाकी का एंटायर डे मैं मटेरियल्स कलेक्ट करने में बिता देता हूँ अपने नेक्स्ट बिल्ड के लिए। डे 6 पे हमने कुछ एंशिएंट सिटीज को रेड करा। ओ माय गॉड, मेरे पास है क्या ये, पता है
चेस्ट को ना तोड़ लेना अच्छा है, रेदर देन मैं चेस्ट को तोड़ देता हूँ। ओ माय गॉड शिट, मैंने पाई से बोला ओ माय गॉड हो गया एक वार्डन। ब्रो यार तू वहीं पे है तू। इसके बाद मैं एंड में चला जाता हूँ टू कलेक्ट सम एंडर पर्ल्स, बट इंस्टेंट मेरे को वहाँ पे किसी का एंडरमैन फार्म मिल जाता है एंड फिर उस फार्म को मैं दबा के यूज करता हूँ एंड इवन मैं अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता हूँ टू कलेक्ट सम एक्सपी। वेल मैंने इतनी एक्सपी कलेक्ट कर ली थी कि मेरे पास एक पूरा मैक्स बो आ गया था। वेल ये एंडरमैन फार्म हमारे लिए एक लाइफ सेवर था क्योंकि हमने अपने लिए एक एक एक्स्ट्रा आर्मर भी बना लिए थे डायमंड के फुली एन्चेंटेड एंड हम पूरे स्टैकअप भी हो गए थे एंड मुझे मेरे दोस्तों से बहुत सारे पोशंस वगैरह भी मिल गए थे तो ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी थी इसलिए मैं फिर से एंड सिटी में गया एंड इस बार मेरे को दो दो एन्चेंटेड गैपल्स मिले। जैसा कि तुम्हें बताया कि हमने DR2X को हमारी टीम से खेलने को कहा था, मैंने उसको अपना मोस्टली स्टफ दे दिया था जैसे कि मैंने अपने उसको दोनों गैपल्स भी दे दिए थे। या वेल गाइस मैंने अपना ये सेकंड ब्यूटीफुल बिल्ड भी बना लिया है। आई मीन ये अंदर से काफ़ी थोड़ा यू नो खोखला सा है बट मेरा इसको कंप्लीट करने का मन नहीं है तो मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं करा। मैं तो हूँ वॉर के लिए पूरा रेडी। आई मीन आई नो ज़्यादा ही पोशन होगी इतने तो यूज़ भी होंगे बट स्टिल। वेल इसके बाद फाइनली वो डे आ गया जब बेडरॉक की वॉल हटने वाली थी एंड दोनों टीम्स लड़ने वाली थी। ओके तो गेट्स आर डाउन लेट्स गो भाई, लेट्स गो वॉर स्टार्ट होगी, लेट्स गो। एट दिस पॉइंट हमने काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी थी रेड टीम के एरिया में एंड ऑलमोस्ट इनकी आधी टीम वाइप आउट हो चुकी थी। बट जो रियल डील थे आर्कून एंड इट्स रेजर नाम का बंदा, आई मीन भाई ये लिटरली दोनों मिलके भाई हमारी टीम को संभाल रहे थे। इवन DR2X भी मर चुका था बट एट दी एंड हमने इट्स रेजर को मार दिया एंड ओनली आर्कून रहता था। अरे वो आर्कून उधर है कॉपर गोलम के आगे, वो टावर। आई एम कमिंग ब्रो। येरा आर्कुन भी ज्यादा देर और टिक नहीं पाया एंड सून वो भी मर गया एंड दिस इज हाउ वी वन दिस वॉर। वेल अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे बिल्ड्स तो रिव्यू किसी ने करे ही नहीं तो उसके लिए आने वाले थे बासु प्लेज एंड ये राउंड का रिएक्शन। सो सारे बिल्ड्स को नजरअंदाज नहीं करते हुए 10 में से हम देना चाहेंगे इस तरफ। मतलब देखो मेरा स्टैचू था जिसने जिसके एक पॉइंट काटा है ऑब्वियसली, और एक तो टीम वर्क इन्होंने बहुत लैक किया। अगर रेड की तरफ भी ये इशू हुआ तो देखते ना इनके पास रोड्स का कोई अच्छा सिस्टम था, फिर भी ठीक है। मतलब सो इस तरफ मैं देना चाहूंगा 7 points, रेड को मिलते हैं 7 points। चलो ये पिक्सेल आर्ट बढ़िया है बहुत, अरे ये मस्त बना एकदम डिटेलिंग के साथ। ओ हो बढ़िया, डैम इसने भाई क्या बनाया जोरदार। ब्लू टीम को देना चाहूंगा 9 points।